शहीदों की चिताओं पे जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पे मर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। जब जब भारत माता पे कोई आँच आई है, उसके सुपूत उठ खड़े हुए हैं, रणबांकुरे उठ खड़े हुए हैं और उसकी हिफाजत करी है। मोगा के रहने वाले जवान कुलवंत सिंह, आतंकी हमले में इनकी जान चली गई। इनका पार्थिव शरीर पितृक गांव चड़ीक पहुंचा तो आखिरी दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी। नमस्ते और जय हिंद, मैं हूं डॉक्टर संदीप जुल्का। भारतवर्ष में हर धर्म के लोग, हर मजहब के लोग तीर्थ पे जाते हैं। पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स एंड फेथ्स गो ऑन पिलग्रिमेजेस। मैं भी जा रहा हूं एक पिलग्रिमेज में, एक तीर्थ पे, मगर मैं जा रहा हूं एक शहीद के घर। सब बच्चों ने इनिशिएटिव लेकर बहुत सारी संख्या में हमारे वीर जवानों की शहादत पे उनके लिए कुछ पत्र, चिट्ठियां, कुछ पोस्टर्स लिखे। आज LIG गुरुद्वारा में ये सभी संदेशों और चिट्ठियों को एक साथ रख के बाबा जी दाके अरदास की गई है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस नेक कार्य के लिए सहमति दी। डॉक्टर साहब यहाँ से शहीद परिवार के पास खुद ये सारी चिट्ठियाँ, संदेश, इंदौर शहर का प्यार, नमन और स्मरण लेकर जाएंगे और ये बताएंगे कि देश का हर एक नागरिक उनकी शहादत को सलाम करता है। मैं आया हूं इंदौर से और अब हम पहुंचे हैं चंडीगढ़ से मोगा। मोगा के पास एक छोटा सा गांव है जहां पे शहीद जवान कुलवंत सिंह रहता था, जो शहीद हुआ आतंकी हमले में पुंछ में। और दूसरी बात आप सबको जान के हैरानी होगी कि उनके पिताजी जो थे बलवंत सिंह जी शहीद हुए थे कारगिल में। मैं खड़ा हूँ मोगा शहर में और मेरे साथ कुछ होनहार बच्चियाँ हैं। और आप सबको मालूम है आजकल आर्मी में बच्चियां भी जा रही हैं, इंडिया में भी बच्चियां जा रही हैं अभी, तो ये हमारी जो है फ्यूचर है और फ्यूचर आर्मी ऑफिसर्स हैं। तो मेरे साथ NCC कैडेट्स हैं और हमारे साथ फौजी भाई लोग भी हैं जो हमारे साथ साथ जाएंगे वहां पे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ 5 पंजाब NCC बटालियन का कि वो हमारे साथ जा रहे हैं उस परिवार से मिलने। जय हिंद। तो जब हम कहानी सुनते हैं या डायलॉग सुनते हैं कि एक इंच धरती का हम देने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे दूसरे पड़ोसी मुल्क के पास, या हम जर्रा जर्रा है उसकी हिफाजत करेंगे, तो ये हिफाजत करता कौन है? क्या मैं इंदौर में बैठ के डॉक्टर हिफाजत करता हूँ? क्या कोई बिजनेसमैन चेन्नई में हो या हैदराबाद में वो हिफाजत करता है? हम अपना काम बखूबी करें तो हम देश में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मगर जो हिफाजत करता है वो एक फौजी है जो सरहद पर खड़ा है। कहा जाता है कि खाते समय किसान का और सोते समय जवान का, जो फौजी का, हमको धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि वो वहां खड़ा है तो हम अपने घर में महफूज हैं, सेफ हैं। कि हम अगर इस संसार में आए हैं तो जीवन के उद्देश्य के साथ साथ हम अपनी मृत्यु का उद्देश्य भी बनाएं ताकि हमारा जीवन सार्थक हो सके। मैं उन सारे फौजियों को जो इस संसार में हैं, हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, जो जा चुके हैं, सभी को आज याद करता हूँ, नमन करता हूँ और तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।